पुरमन तरीके से इतजाज ना किया आपने ये जुल्म जो हो रहा है इस मुल्क से हमेशा के लिए आप गुलामी करेंगे और गुलामी इन चोरों की करेंगे कोई आपका मुस्तकबिल नहीं है अब तक आठ नौ लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं जो छोड़ के जाते हैं कई उनमें से बिजनेसेस थी बेरोजगार करके चले गए लोगों को पढ़े लिखे जो मुल्क पैसा खर्च करता है जिनके ऊपर वो छोड़ के चले गए शौकत खानम से चार बड़ा मुश्किल है कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चार हमारे अहम डॉक्टर्स वो छोड़ के चले गए लोग मायूस हो गए हैं यह तरीका नहीं है छोड़ के जाने का खड़े होकर लड़ने का है जहाद लड़ने का है और आप सबको मैं जेल में जाता हूं या मुझे ये कुछ कर देते हैं आप सबने खड़े होना है कभी हार नहीं माननी आखिरी गेंद तक मुकाबला करना आपने और मैं समझता हूं कि अल्लाह वाज तौर पर कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करें ये जो प्लान बनाया हुआ आज का मैं फिर से बता रहा हूं सारी कौम को कि ये करने जा रहे हैं लेकिन मुझे जो अफसोस है कि देखिए इनके जेन पंजाब पुलिस के लोग मार देंगे खुद ही ये पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की हुई हैं जिनके अंदर ना कोई इंसानियत है ना उनकी कोई सोच है उनके बीवी बच्चे होंगे उनको मार देंगे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को हमारे लोग मारे और रही ताकि मूवमेंट खत्म हो जाए इससे मूवमेंट नहीं खत्म होने लगी ये एक आग की तरफ जा रहा है ये वो चाहेगा जो इस मुल्क का दुश्मन है कि मुल्क में तबाही मिच जाए सिविल वॉर हो जाए तबाही हो जाए किस कि तरफ जाएगा मुल्क सारे पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपर बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं इनसे बड़े गद्दार कोई नहीं है कौन आदमी इस तरह सोच सकता है कि अपने मुल्क में सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए और अपनी जायदादें और जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है वो बचाने के लिए इस मुल्क तबाही की तरफ जाए रहे हो इन शह आप सबसे हफ्ते की रात को चराविया के बाद मीनार पाकिस्तान में मुलाकात होगी